नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। केरल सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच स्थिति पर प्रबंधन और नियंत्रण के लिए 8 मई से 16 मई तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। सीएम द्वारा निर्देशों के अनुसार कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मद्देनजर 8 मई से 16 मई की सुबह 6 बजे तक पूरे केरल राज्य में लॉकडाउन होगा। हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जारी किया गया डेटा बताता है कि इस साल 126 डॉक्टर की कोविड-19 की वजह से मौत हो चुकी है। हालांकि बीते साल इस महामारी के चलते 736 चिकित्सकों ने जान गंवाई थी। इस मामले में बिहार सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। संस्था ने सरकार पर सवाल उठाकर चिकित्सकों का डेटा रखने की मांग की है। IMA कोविड के कारण इस साल जान गंवाने वाले चिकित्सकों के टीकाकरण की स्थिति का पता लगा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने यह फैसला हाईकोर्ट की आपत्ति के बाद लिया है। हाईकोर्ट ने सरकार के उस फैसले पर आपत्ति जताई थी जिसमें सबसे पहले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का वैक्सीनेशन पहले किया जा रहा था। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में वायरस संक्रमण के 15,416 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान सबसे ज्यादा मौत के आंकड़े भी डराने वाले हैं। सुबह में 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से 181 लोगों की जान चली गई। इसी के साथ एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1,13,425 हो गई है। वहीं एक दिन में 10,640 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। आज पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेसी सांसदों के साथ मीटिंग करेंगे। यह मीटिंग दोपहर 2:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। ऑक्सीजन के संकट से जूझ रही देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों को बड़ी राहत मिली है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सहयोग से एम्स ट्रॉमा सेंटर और RML अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। इस बाबत DRDO के एडिशनल डायरेक्टर ने बताया कि ये शाम तक काम करना शुरू कर देंगे। बता देंगे ये ऑक्सीजन प्लांट कोयम्बटूर से विमान के जरिए मंगलवार को ही दिल्ली लाए गए थे और बुधवार को इनको लगा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों को केंद्रों द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति से संबंधित मामले की सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने कहा है कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट को यह बताए कि वह दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन कैसे देगा। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में जरूरी मात्रा में ऑक्सीजन का भंडार है। SG ने कहा है कि राजस्थान, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी अपने अस्पताल की मांगों को पूरा करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी न मचे। पश्चिम बंगाल में पदभार ग्रहण करने के कुछ ही घंटों बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए 29 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें से अधिकतर का चुनाव से पहले ही निर्वाचन आयोग ने तबादला कर दिया था। जारी आदेश के तहत जिन शीर्ष स्तर के अधिकारियों के पुराने पदों पर बहाली की गई है उनमें राज्य सरकार ने कुछ बिहार जिले के पुलिस अधीक्षक देवाशीष धर को भी निलंबित कर दिया है। जहां शीतलकुची सीट पर 10 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान CISF की कथित गोलीबारी में 4 लोग मारे गए थे। देश में कोरोना वायरस रोधी वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला और उनके परिवार को Z+ सुरक्षा देने की मांग की गई है। इसके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। बीते हफ्ते केंद्र सरकार ने पूनावाला को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी थी। पूनावाला फिलहाल अपने परिजनों के साथ ब्रिटेन में है। लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। 6 मई को पेट्रोल के दाम बढ़कर 88.38 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं डीजल का दाम 81.48 रुपए प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल के दाम में आज 22 पैसे प्रति लीटर तो वहीं डीजल में 28 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। कल भी पेट्रोल के दाम में 19 पैसे प्रति लीटर तो वहीं डीजल में 21 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।